आर एफ पचौरी अध्यक्ष आइए हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष। किस तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हो आप? देखिए, वर्ल्ड तम्बाकू के दुष्प्रभाव समाज में और चिकित्सा जगत ने काफ़ी अच्छी तरह स्टडी किए हैं, लेकिन कतिपय कारणों से ये दुष्प्रभाव जनता तक नहीं पहुंच पाए। हमारा मकसद है कि जन जागरण के माध्यम से तम्बाकू के दुष्प्रभावों को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के अंदर प्रसारित किया जाए, ये जाना जाए कि ये एक दुश्मन है जिससे लॉन्ग रन में मानवता को नुकसान है, समाज को नुकसान है, और शारीरिक रूप से अगर आप चले गए आर्थिक नुकसान तो है ही है, लेकिन अगर कैंसर हो गया जो कि सबसे एक प्रोमिनेंट दुष्प्रभाव है इसका, तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। हमारा मकसद वर्ल्ड टोबैको डे पे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, जो कार्य करने वाली जनता है जिसका शैक्षिक स्तर थोड़ा सा नीचा है, वो लोग दुष्प्रभाव से ज़्यादा परिचित नहीं है, हम उसको जागरूक करना चाहते हैं जनता को, और ये चाहते हैं कि नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। और जब शरीर, अगर कोई व्यक्ति 30-40 साल की उम्र में कैंसर से पीड़ित हो जाता है, अगर परिवार को उसका इलाज कराना पड़ता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका पूरा परिवार और समाज सफर करता है। मैं नरेंद्र सिंह, चैम्बर अध्यक्ष। चैम्बर की किस तरह की भूमिका रहेगी इस अभियान में? तो चैम्बर की ये रहेगी, हमारे 1400 मेंबर ऑलरेडी हैं और 40 संस्थाएं जुड़ी हैं हमारे संग, तो इसको हम अब मेंबर्स को व्हाट्सएप, SMS और सबको जागरूक कर रहे हैं कि अपने फैक्ट्री में, अपने प्रतिष्ठान पे बैनर लगाएं, एक छोटी छोटी मीटिंग करें, उन्हें समझाएं तो इससे क्या परिणाम होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो आर्थिक नुकसान तो है ही, उसके बाद शारीरिक नुकसान भी है। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जब हमें सारी संस्थाओं को मिलकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए जिससे कि ये फैक्ट्री बंद हो जाए जो बनाती है, ना बनेगा ना कोई खाएगा। जैसे ही आपने बिहार में देखा, जब शराबबंदी करी, ना शराब मिलेगी तो पिएगा कैसे, तो ऐसे ही ये बंद हो जाना चाहिए। अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट ये बंद नहीं कर रही, पर ये चीज़ें सब बंद होनी चाहिए। जब वहाँ से बंद हो जाएंगी तो खाएगा क्या वो? किस तरह का अभियान होगा? नाम पर नाम बताओ। मैं डॉक्टर आलोक मित्तल, इस प्रोग्राम का कन्वीनर हूँ। हमने ये प्रयास किया है कि आगरा में एक साथ 10 बजे सभी लोग शपथ खाएँ कि तम्बाकू का सेवन नहीं करेंगे। इसी ब्याह पर IMA के 1400 सदस्य अपने चैम्बर में 15-20 पेशेंट अटेंडेंट्स और कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टाफ सबके साथ अगर शपथ समारोह रखें तो हम 1,00,000 लोगों को शपथ खा सकते हैं। इसमें हमारे साथ डेंटल एसोसिएशन, चैम्बर्स में बताया गया कि चैम्बर्स में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें हमें जागरूक फॉर्म करेंगे। IMA का डॉक्टर वहाँ जाकर चैम्बर्स के जो मेंबर की फैक्ट्री है उसमें जितने वर्कर हैं सबको तम्बाकू से आगाह कराएंगे और उन सबको शपथ दिलाएंगे कि वो तम्बाकू का सेवन ना करें। तम्बाकू दिवस है और कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो टोबैको से, कैंसर और इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, क्या IMA उन पेशेंट्स के लिए उस दिन कुछ विशेष करेगी? बिल्कुल करेगी। उस दिन हम लोग, अगर जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनको अनुसंधान में और परीक्षण में जी जितने भी हमारी तरफ डिस्काउंट हो सकता है वो हमें मिलता है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि सरकार को ये रियलाइज करना है जी कि टोबैको इंडस्ट्री से जो उसको रेवेन्यू मिलता है उससे कई गुना नुकसान उसके दुष्प्रभावों से समाज को उठाना पड़ता है, उसका चिकित्सीय इलाज में, और समाज का जो नुकसान होता है कि असमय मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उससे जो भुगतना पड़ता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो सरकार को ये चीज़ महसूस करनी होगी कि जितना हमको लाभ नहीं हो रहा रेवेन्यू से उतना ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है, हेल्थ सर्विसेज पर उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ये हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है।